हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चौकड़ी की सुबह सुबह बज रहे हैं अभी लगभग 7 और आप ये बहुत ही सुंदर नज़ारा सामने सनराइज़ होने वाला है। हल्की हल्की सी किरणें आपको दिख रही होंगी और आसमान में थोड़े बहुत हल्के हल्के बादल हैं अभी, और धीरे धीरे जैसे सनराइज़ होगा ये पाला वगैरह ये सब सूख जाएगा और अच्छा लगेगा यहाँ से व्यू। सुबह सुबह चौकड़ी का व्यू कुछ ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये नीचे बीरू भाई का घर, ये और ये दोनों यहाँ दी ने चाय बना दी है। ये देखो आप, चाय तैयार हो चुकी है। लास्ट डे आज अपने ट्रिप का, आज वापस निकलना होगा दिल्ली। जो जो मस्त अपना घूमने पे लगा हुआ है हमारे साथ, उसको कभी लीज की जरूरत नहीं होती, वो मस्त घूमता रहता है अपने आप बिंदास। ये देखो आप, ये मुझे अपने घर नहीं आने दे रहा, गेट पे खड़ा हो चुका है। दीदी को तो आने दे रहा है यहाँ। ये है पूरा नीचे चौकड़ी गांव, कुछ इधर कुछ इधर, और टिपिकल गांव, गाय भैंस बच्ची सब इसे होता है ये गांव में। ये देखिए लोगों ने अपनी छन में गौशाला है, भैंसे वगैरह बांध रखी हैं। देखिए हाँ, अब चलते हैं ऊपर। चलो जोजो, चल बेटा चल, चलो 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 चलो। जोजो लड़ रहा था इनसे, भाग चुके हैं जोजो के डर के, और अब हम चलते हैं ऊपर वापस। और अब गाड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, मैं और दीदी निकल रहे हैं हल्द्वानी के लिए। माना हमें सी ऑफ करने आई हुई है, और माना का ऑफिस ये है, ये हिमालयन नारी, इसमें 50, ये भी है नारी, हाँ 50, लगभग 50 प्लस गांव की जो लेडीज़ हैं वो यहाँ पे काम करती हैं, और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है पहाड़ों में ही। निकलते हैं अभी हल्द्वानी के लिए, रास्ते में अपडेट देता हूँ आपको। ये गोलजू देवता का मंदिर और अल्मोड़ा में पड़ता है। ये है द फेमस गोलजू देवता का मंदिर। आप घंटियां देखिए, पूरे चारों तरफ घंटिया ही घंटिया है। शायद रूट दूसरा है, उस तरफ से जाता हूँ। ये
यह मान्यता है कि गोलजू देवता को जो चिट्ठी लिख के अपनी कोई भी कामना करता है वो जरूर पूरी होती है। देख सकते हो आप चारों तरफ कितनी सारी चिट्ठियां हैं। ये लाइन काफ़ी भीड़ है, आज शिवरात्रि भी है तो इस वजह से भी मंदिर में बहुत भीड़ है और वैसे भी काफ़ी भीड़ रहती है इस मंदिर में, तो मैं बाहर बाहर से दर्शन करके आ गया हूँ। अब चलता हूँ, दीदी आगे वेट कर रही हैं। मेन मार्केट से काफ़ी आगे आ गया हूँ, दीदी ने काफ़ी आगे गाड़ी खड़ी है की है काफ़ी आगे, और क्योंकि पीछे पार्किंग नहीं मिलती और पुलिस वाले खड़े भी नहीं होने देते। फिलहाल चलते जा रहा हूँ और निकलते हैं। लगभग अभी हम लोग 100 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय कर चुके हैं, थोड़ा सा और है, 100-120 और है फिर हम हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। अभी समय हो रहा है लगभग 3-3.5 घंटे और वो फिर हम पहुंचते हैं हल्द्वानी। यहाँ पे खड़ी की है दीये ने गाड़ी, आगे द फेमस उत्तराखंड का नीम करौली बाबा आश्रम, और आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एरिया नीम करौली बाबा का मंदिर एक्चुअली नीचे है इधर नदी के तट पर आगे जाके, और ये सारे के सारे गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं। और यहाँ पे भीड़, आप गाड़ियों की लाइन देख सकते हैं यहाँ पे साइड से, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे साल भर। तो यहाँ पे हमेशा जो है ट्रैफिक के चांसेस लगे ही रहते हैं कि ट्रैफिक लग जाएगा यहाँ पे। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं आगे से आश्रम, अगर दिख जाता है तो ये है आश्रम का गेट, यहीं से जाके ये रहा गेट, ये सामने आप देख सकते हैं, और यहाँ है ये मंदिर, ये जो आपको दिख रहा होगा इधर, ये रहा मेन मंदिर। गाड़ियों की लाइन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी ज़्यादा फेमस है उत्तराखंड में। आप दोनों साइड देखिए, लगभग 1-1.5 किलोमीटर के गाड़ियों की लंबी कतार है यहाँ पे, और यहाँ पे श्रद्धालु साल भर आते ही रहते हैं। सो हल्द्वानी से मैंने पकड़ी थी वॉल्वो उत्तराखंड परिवहन निगम की, और आप आनंद विहार पहुंच चुका हूं मैं लगभग 3:30 बजे, और जा रहा हूं अपने घर आगे दिल्ली में। सो ये यात्रा अब यहीं पे समाप्त होती है। क्या खड़े हैं ये, ऐसे मैंने ओला किए, आगे चलता हूं घर के लिए।